तो हेलो फ्रेंड्स, ये बाला जी कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। काश मीरा की दुनिया में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी टेस्टी हलवाई से भी बढ़िया मोहन थाल। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, किसी भी आप कटोरी का नाप ले लीजिए। अगर आपको कप का नाप लेना हो तो कप का नाप ले लीजिए। मैंने कटोरी का नाप लिया है। कोई भी आप कटोरी फिक्स कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 5 कटोरी बेसन लिया है। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कटोरी। तो अब क्या करना है हमें फ्रेंड्स, हमें 7 चम्मच घी ऐड करना है, 6 से 7 चम्मच। तो हम 7 चम्मच इसमें घी ऐड करेंगे मोहन थाल बनाने में। और ये 7। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क भी हम 7 चम्मच ही ऐड करेंगे। नॉर्मल मिल्क लिया है। और ये 7 थोड़ा सा हम ऐड कर रहे हैं। अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अच्छे से सब मिक्स करना है। ये फर्स्ट स्टेप है। तो आप किस तरह से मोहन थाल बनाते हो कमेंट जरूर से कीजिएगा फ्रेंड्स, तो हमें भी पता चले। ये देखिए, अच्छे से हमें ऐसे मसलना है। तो जैसे जैसे आप इसे मसलोगे, ये देखिए कलर देखिए चेंज हो रहा है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। इसे बोलते हैं द्राबो देना। तो फ्रेंड्स, किसी भी छन्नी से आप इसे छान सकते हो। छानना बहुत ही जरूरी है। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसा लगता हो कि अच्छे से छन नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, फटाफट से मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, बाद में आपको छानना है। क्योंकि हमने ऐसा ही किया है, तो इसीलिए हम आपको भी बोलेंगे कि अगर हाँ इजीली अगर आपके पास छन्नी अच्छे से हो और अच्छे से छान सकते हो तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। नहीं तो मिक्सी में ग्राइंड करके बाद में आपको छान लेना है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए अच्छे से हमने छान लिया है। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने आपको दिखाया नहीं है, और छानना तो है ही। ओके फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हो मिक्सी में घुमाने से फटाफट से हम छान सकते हैं और हमें टाइम भी नहीं लगता है बहुत इसलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से छान लिया है हमने। तो चलिए फटाफट से अभी हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें 2.5 कटोरी घी ऐड करना है। जिस कटोरी से हमने बेसन लिया है वही कटोरी से हमने घी लिया है। तो चलिए अभी हम बेसन का आटा ऐड कर देंगे।
5 कटोरी बेसन और 2.5 कटोरी घी। कम से कम 12 से 15 मिनट हमें भूनना है, फिर भी हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। तो आप देखते रहना फ्रेंड्स, कलर भी चेंज हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत है, ज्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन हलवा इसे भी टेस्टी बनेगी। मिनट हो जाए बाद में हमें आगे की प्रोसेस करनी है, लेकिन भूनते तो रहना ही है हमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कलर चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, भूनना भी इतना ही जरूरी है कि जितना हमें द्रापो देना है, जितना हमें छानना है बेसन, उतना ही भूनना जरूरी है। अगर आप थोड़ा भून के रख दोगे तो टेस्ट में बहुत ही चेंज आएगा, वो आपको ध्यान रखना है। कम से कम 12 से 15 मिनट तक हमें भूनना तो है ही। आप देख सकते हो 8 से 10 मिनट हो चुकी है अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, मावा तो हमने लिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास मावा ना हो, मलाई ना हो, तो आप इसमें इसी स्टेज पे थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कीजिए, 1 कटोरी। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, उससे क्या होता है, कलर चेंज होगा, टेस्ट अच्छा होगा और दाने दाने हो जाएंगे, जैसे दानेदार मोहन थाल ऐसे बोलते हैं ना, बस वैसे। तो अभी हम क्या करेंगे, तो हम दूध नहीं लेने वाले, हम मलाई ऐड करेंगे। हमने घर की मलाई 1 कटोरी ली है, तो हम वो ऐड करेंगे। मलाई भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ में ऐड नहीं करना है। तो हमें स्लो फ्लेम पे ही अच्छे से पकाना है, ओके फ्रेंड्स, मतलब भूनना है। अभी हमने 1 ही चम्मच मलाई ऐड की है, पूरी कटोरी हम मलाई ऐड करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। इससे आपका मोहन थाल सॉफ्ट तो इतना बनेगा कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा, सच में बता रही हूँ। अब देखिए कलर चेंज हो रहा है, ये देखिए। अगर आपके पास मलाई हो तो मलाई ही ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, मलाई से मोहन थाल ऐसा बनेगा कि हलवाई भी ऐसा नहीं बना पाएगा। ट्राई जरूर से कीजिएगा, बाद में हमें बोलिएगा कि नहीं हम गलत हैं या सही है। 4-5 दिन में आपने जो मलाई निकाली होगी, तो फटाफट से आपको ताजी मलाई ही लेना है, आपको वो आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम ये सभी मलाई ऐड कर देंगे। तो करीब हमने 1 कटोरी मलाई लिया था, तो फ्रेंड्स सभी मलाई हमने ऐड कर दी है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कलर चेंज हो गया है, ये देखिए डार्क कलर हो गया है, ऑलमोस्ट भूनने ही आया है, बस और 5 मिनट हमें इसे भूनना है। फ्रेंड्स, अच्छे से आटा और मलाई मिक्स हो जाए, बाद में हमें गैस ऑफ करना है, लेकिन थोड़ा टाइम है अभी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आटा और मलाई अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अच्छे से भून भी गया है आटा। साइड से हमें आटा निकालते रहना है, नहीं तो साइड से चिपक सकता है, मतलब जल सकता है। तो फ्रेंड, ये मोहन थाल
आप गुड़ से भी बना सकते हो। तो जल्द ही हम वो रेसिपी लाने वाले हैं, जो चीनी नहीं खाते वो गुड़ से भी बना सकते हो इजीली, और टेस्ट में तो बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, गैस ऑफ कर दिया है हमने, आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी चलाते रहना है आपको कि तले से जले नहीं। आप देख सकते हो कलर कितना चेंज हो गया है, ना ही हमने इसमें कलर ऐड किया है और ना ही और कुछ। बस इसे आपको अच्छे से भूनना है, वो ही आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। बहुत ही दानेदार दिख रहा है। चलिए हम आपको पास से दिखा देते हैं। ये देखिए, कम से कम आपको ज्यादा से ज्यादा भूनना है कि जब तक ये कलर ना आ जाए। ये देखिए, और मैंने कम से कम फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट तक इसे भूनना है, तभी अच्छे से भून गया है और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो चलिए अभी हम चाशनी बनाते हैं। गैस ऑन करेंगे। हमने 5 कटोरी बेसन लिया था और अब हम इसमें 3 कटोरी चीनी ऐड करेंगे। ये 2 कटोरी और ये 3 कटोरी, तो यही माप है फ्रेंड्स, 5 कटोरी बेसन और 3 कटोरी चीनी। और हमने 2.5 कटोरी घी लिया था। अगर आप 2 कटोरी घी ऐड करोगे फिर भी चलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी कितना ऐड करना है, चीनी अच्छे से डूब जाए तब तक हमें पानी ऐड करना है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, चीनी से थोड़ा सा ही ऊपर पानी है, बस इतना ही पानी हमें ऐड करना है, इससे ज्यादा नहीं। तो है ना इजी फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा आटा सॉफ्ट हो गया है, फिर भी कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही आपका मोहन थाल बढ़िया बनने वाला है फ्रेंड्स, सच में। ट्राई जरूर से कीजिएगा। और हाँ, आपके पास मलाई नहीं हो तो उसकी जगह पे आप दूध भी ऐड कर सकते हो, और आधी कटोरी ही मलाई ऐड कीजिएगा, फिर भी चलेगा। तो चलिए, ठंडा हो गया है, अभी हम चाशनी फटाफट से बना लेते हैं। हमें इसमें और कुछ ऐड नहीं करना है क्योंकि कलर की हमें जरूरत ही नहीं है, अच्छे से हमने भुना है तो कलर ऐड करने की नहीं जरूरत है, नहीं हमें केसर ऐड करना है। ओके फ्रेंड्स, हमें थिक चाशनी बनानी है। थोड़ा और थिक चाहिए फ्रेंड्स, बस 5 मिनट का टाइम है। और तो तैयार है फ्रेंड्स चाशनी बनके, थिक चाशनी चाहिए फ्रेंड्स, वो हमें ध्यान रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसी चाशनी बननी चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी चाशनी पतली बनी है तो मोहन थाल नहीं जमेगा, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको मैंने दिखाया वैसा ही होना चाहिए। तो चलिए अभी हम ये चाशनी 2 मिनट के लिए ठंडा किया है हमने चाशनी को, अभी हम मोहन थाल में ऐड कर देंगे। तो गैस हमने गैस ऑफ ही रखा है, ऑन नहीं किया है फ्रेंड्स, गैस ऑफ ही रखा है हमने। और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हलवा बन गया है, लेकिन अच्छे से जम जाएगा, बिल्कुल से आप फिकर मत कीजिएगा। जैसे जैसे ठंडी होगी चाशनी वैसे वैसे अच्छे से जम जाएगी। ये देखिए, अभी से ही थिक होने लगी है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे, करीब 1 चम्मच। ये देखिए, जैसे जैसे ठंडा हो रहा है वैसे वैसे अच्छे से जम रहा है, लेकिन चाशनी में आपको जरूर से ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अगर चाशनी थिक नहीं होगी जैसे मैंने दिखाया वैसे ही बनाना है आपको, नहीं तो मोहन थाल नहीं जमेगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, बटर पेपर पे हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। दो कंटेनर लिए हैं हमने। अगर आपके पास कंटेनर नहीं हो तो आप थाली में भी लगा सकते हो। आप देख सकते हो अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है, आप देखिए मोहन थाल कितना थिक हो गया है कि नहीं। तो इसलिए हम बोल रहे थे कि सिर्फ दिख रहा है, फटाफट से ये थिक हो जाएगा जैसे हमने बर्फी बनाई हो। तो इसी स्टेज पे फ्रेंड्स आपको ड्राई फ्रूट्स ऐड करना हो तो कर सकते हो। इस पे आप चिरौंजी भी ऐड कर सकते हो इसके ऊपर। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, सच में। अगर ऐसा हो जाए कि मोहन थाल नहीं जम रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा लेट ही लेकिन मोहन थाल जरूर से जम जाएगा। लेकिन हो सके तो चाशनी मैंने जैसे बताई वैसे ही कीजिएगा। तो देखिए लग रहा है ना हलवाई से भी ज्यादा अच्छा। तो देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटे के लिए हम इसे रख देंगे, अच्छे से सेट हो जाएगा, हमें ज्यादा टाइम रखने की जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने गाय माता के लिए निकाला है थोड़ा सा। तो चलिए फ्रेंड्स अनमोल कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कट करेंगे अभी हम। बहुत ही सॉफ्ट बनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाएंगे। अगर आपके पास हो तो लगाइए, नहीं हो तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स सर्व करते हैं मोहन थाल बर्फी। कैसी लगी कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो कैसी लगी फ्रेंड्स मोहन थाल मिठाई। तो अगर फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। ऐसी और भी हम अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आएंगे फ्रेंड्स। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।